अग्नि सूक्त आश्रित। अग्नि सूक्त आश्रित तथ्य। स्मरणीय तथ्य। देखिए ये क्या आ रहा है इसमें, विशिष्ट तथ्य नंद किशोर नमस्ते, ममता यादव सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, और दूसरी साइड में है अन्य तथ्य। देखिए दिख रहा है कि पीला कलर तो दिख ही नहीं रहा शायद यार बच्चों को, ये तो दिख ही नहीं रहा पीला कलर तो, है ना। देखिए ये दिख ही नहीं रहा है ना, इसको चेंज करते हैं, नहीं दिख नहीं रहा यार बच्चों को, दिखेगा नहीं फिर फायदा क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। पिंकी कुमारी भी आ गई है, विशिष्ट तथ्य ये दिखेगा। अन्य तथ्य गुड्डी शर्मा नमस्ते भाई। देखिए अग्नि सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा नमस्ते भाई दुलचंद जी, अग्नि सूक्त का देवता अग्नि, कुल मंत्र नव कोष्ठक में नौ, अग्नि सूक्त से संबद्ध ऋग्वैदिक मंडल
सूक्त की क्रम संख्या प्रथम 1.1 तात्पर्य प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। प्राचीन ऋषि भृगु कोमा अंगिरा अग्नि सूक्त से संबद्ध नवीन ऋषि विश्वामित्र कौमा मधुच्छंदा, ये विश्वामित्र का पुत्र था। अब देखिए ये कुछ अग्नि सूक्त से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्य आपके सामने आए। पिता दौस कश्यप अग्नि की माता चपला आदिति। अग्नि का यमल भ्राता इंद्र अग्नि का पुत्र अंगिरा समिधा पत्नी ज्वाला पुत्री स्वाहा ये सब चीजें ध्यान रखें। यमल का मतलब जुड़वा होता है, तो एक बार लिख लीजिए इन सबको, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या हुआ, क्या हुआ? कर दिया। अच्छा ठीक।
पानी पिला दिया, पानी पिला दिया, लिया भर के। अरे लिख लिया के दोस्तों, कविता अग्रवाल, नमस्ते सेठ जी महाराज, बिल्कुल स्वागत है। वैदिक साहित्य में सूक्त शुरू हो गए हैं भाई, कविता तेरी इच्छा थी ये, वो कर दिया है शुरू। सविता चौधरी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, जुड़ते चले जाओ फटाफट। लिख लिया हो तो बताइए। शकुंतला भाटिया ने लिख लिया है, कविता अग्रवाल करिए, नहीं लिखा लिख लो फटाफट जल्दी, क्योंकि अगली क्लास आपकी 8:15 पे है, ये क्लास छोटी क्लास हो पाएगी आज। द्वादश में द्वंद्व समास है, जितने भी संख्याएं हैं जो आपस में जुड़ती हैं 2 और 10 द्वंद्व समास है। ममता यादव पंचविंशति है तो भी द्वंद्व है भाई। कविता अग्रवाल नहीं करिए, लिख लिया हो तो चले आगे। देवी और कौन कौन लिख रहा है जल्दी से करो, वैसे पीडीएफ हम डालते हैं, पीडीएफ डाल दी सारी भाई, कृष्ण कन्हैया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं सभी के लिए। अग्नि सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा है, अग्नि सूक्त का देवता अग्नि है, अग्नि सूक्त में कुल मंत्र 9 हैं, अग्नि सूक्त से संबद्ध ऋग्वेदिक मंडल प्रथम है, अग्नि सूक्त की क्रम संख्या प्रथम है अर्थात प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, और अग्नि सूक्त से संबद्ध प्राचीन ऋषि हैं भृगु और अंगिरा, अग्नि सूक्त से संबद्ध नवीन ऋषि हैं विश्वामित्र और मधुच्छंदा, और अग्नि का पिता धौस अथवा कश्यप को माना गया, अग्नि की माता चपला और अदिति को माना गया, अग्नि का यमल भ्राता जुड़वा भाई इंद्र को माना गया, अग्नि का पुत्र अंगिरा को माना गया, अग्नि का काल्पनिक पिता समिधा हवन में जो प्रयुक्त होती हैं लकड़ियां उनको माना गया, अग्नि की पत्नी ज्वाला और अग्नि की पुत्री स्वाहा है। देखिए अब आगे बढ़ता हूं, ध्यातम अग्नि को पृथ्वी लोक का स्वामी तथा मृत्यु लोक का देवदूत भी कहा जाता है,
परंतु अग्नि, काल्पनिक माता पिता रूपी ईंधन तथा घृत का भक्षण करता है, भक्षण करता है, जिसके कारण अग्नि को मातृहंता तथा पितृहंता भी कहा जाता है। मातृहंता पितृहंता भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो सुनिए, अग्नि को पृथ्वी लोक का स्वामी माना गया है, मृत्यु लोक का इसे देवदूत माना गया है, परंतु जो अग्नि है वो अपने काल्पनिक माता पिता ईंधन और घृत को खा जाता है, भक्षण कर लेता है, जिसके कारण अग्नि को मातृहंता। देखो मैं जब आपको सूक्त पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे YouTube चैनलों पर आपने बहुत सारे टीचरों को सूक्त पढ़ाते हुए देखा होगा, कोई मंत्रों को साथ में लेकर के पढ़ा रहा है, कोई डायरेक्टली पढ़ा रहा है। पहले मैं पूरा थ्योरेटिकल मैटर आपको दूंगा, लास्ट में मंत्रों की रीडिंग लगवाऊंगा, और आप जो मैटर यहां नोट करोगे ये मेरा प्रॉमिस है, उससे बाहर प्रश्न आप किसी भी प्रकार का कोई संस्कृत का एग्जाम दे लेना, उससे बाहर प्रश्न आपको नहीं जाएगा, प्रश्न 100% वहीं से आएगा, सिर्फ आपको लगातार उससे जुड़े रहने की जरूरत है। तो अग्नि को पृथ्वी लोक का स्वामी, लोक का यार का तो लिखा ही नहीं भाई, पृथ्वी लोक का स्वामी तथा मृत्यु लोक का देवदूत कहा गया है, ईंधन रूपी ईंधन तथा घृत का भक्षण करता है, इसलिए मातृहंता पितृहंता भी कहा गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, पृथ्वी लोक पर अग्नि के त्रिकोष्ठक में तीन प्रत्यक्ष रूप दावानल वनाग्नि बड़वानल जलाग्नि जठरानल उदराग्नि। उपलब्ध होती है, देखो वनों में बांसों के टकराने से और घास में आग लग जाती है चिंगारी से, जिसके कारण वन में जो आग लगती है उसको दावानल कहा जाता है, और समुद्र के गर्भ में अनेक ज्वालामुखी अनेक गैसीय तत्व रहते हैं जिनके कारण जो है आग लग जाती है, तो उसे जलग्नि या वड़वानल कहा जाता है। और एक होता है जठरानल उदर अग्नि, पेट की आग जो आपके और हमारे पेट में जो है भोजन को पचाती है
उसे जठरांगल कहा जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 200 सूक्तों के अंतर्गत, 200 ऋचा शब्द आए तो बढ़िया है, 200 ऋचा एवं अन्य सूक्तों के अंतर्गत अग्निदेव की कई बार इसे ऋचा के नाम से पूछ लेता है, कई बार इसे जो है सूक्तों के नाम से पूछ लेता है। सूक्त भी अपने आप में एक ऋचा ही है, क्योंकि सुष्टुक्तम इति सूक्तम। तो ऋग्वेद में कुल 200 ऋचा एवं अन्य सूक्तों के अंतर्गत अग्निदेव की स्तुति स्वरूप तथा महिमा का सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है। देखिए इंद्र का समकक्ष देवता अग्नि को ही माना जाता है, क्योंकि इंद्र के बाद सबसे ज्यादा जो ऋचाएं हैं वो अग्नि के ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा होता है। तो देखिए आज समझ लीजिए आज की इस छोटी सी क्लास में, क्योंकि अगली क्लास फिर बाधित हो जाएगी आपकी। तो अग्नि को पृथ्वीलोक का स्वामी याद रखिएगा और मृत्युलोक का देवदूत कहा गया है, परंतु अग्नि काल्पनिक माता पिता रूपी ईंधन तथा घृत का भक्षण कर लेता है, इसके कारण इसको मातृ अंता और पितृ अंता भी कहा जाता है। पृथ्वीलोक पर अग्नि के तीन प्रत्यक्ष रूप, दावानल वन में लगने वाली आग, बड़वानल जल में लगने वाली आग, जठरानल पेट की आग उपलब्ध होती है। ऋग्वेद में कुल 200, ध्यान दीजिएगा ये आ सकता है, ऋग्वेद में कुल 200 ऋचा एवं अन्य सूक्तों के अंतर्गत अग्निदेव की स्तुति स्वरूप और महिमा का सविस्तार वर्णन है, जिनके आधार पर अग्नि को जो है इंद्र का समकक्ष देवता माना जाता है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाने को मेरे पास हैं, लेकिन आप अगली क्लास में उनसे रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि आज की क्लास मैं मेरे कारण ही लेट हुई है, ट्रैफिक में लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज की क्लास हमने शुरू की सूक्त पर, अभी इसके तुरंत पश्चात जो है अशुद्धि संशोधन वाली क्लास आएगी जो आपके लगातार कार्य प्रकरण में चल रही है, और उसके बाद यूट्यूब पर 9:15 बजे आपकी क्लास आएगी। तो जुड़े रहिएगा हमसे, बने रहिएगा, और बिल्कुल आपकी तरह हमारी भी तपस्या आपके साथ जारी है, और सभी का कल्याण हो ऐसी कामना करता हूं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।